Now it's all on Guardian. Will he try and hold the AWP? He gets the shot onto Apex. Is he going to try and go huge here? Kenny S on site, straight in his face. Doesn't hit the nose go. Doesn't hit the pistol. Meet Aditya, Shresh, Yash, Anmaya, and Jay. They are five students who share a love for gaming and esports. They spend hours each day playing their favorite games and watching professional players compete in tournaments. भाई तुम लोगों को पता है क्या, ये लोग जो भी टूर्नामेंट जीते ब्राजील में, उसका प्राइस पूल $1 million था। भाई सच में MBA टेक की सैलरी से तो ये कितना ज्यादा है, इतना कमाने में तो 10 साल लग जाएंगे अपने को। ट्राई करना है क्या स्पोर्ट्स? भाई अपन करने में तो कर सकते हैं, 6 घंटा गेम तो ऑलरेडी खेलते हैं, 2-3 घंटा और खेल के थोड़ा और सीरियस हो जाएंगे अपन। और क्या अपन ऑनलाइन टूर्नामेंट से पार्ट ले सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? अरे अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था, ऑनलाइन टूर्नामेंट हो रहा है वैलो का, तो उसमें अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका प्राइस पूल है 1 लाख रुपीज। क्या बात कर रहे हैं? और अपने उसमें जीतने के चांसेस अच्छे खासे, तो अपन 5 लोग करते हैं उसमें। पर अपन तो 4 ही लोग है, अपन को 5वां जना ढूंढना पड़ेगा। जैसे पूछते हैं एक बार यार, जैसे पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, बट उसके पेरेंट्स शायद अलाउ नहीं करेंगे गेमिंग उसको। रुक मैं उसे कॉल करता हूँ। मम्मी मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं पढ़ाई छोड़ के ई स्पोर्ट्स में एक करियर बनाना चाहता हूँ। क्या ई स्पोर्ट्स में? वो क्या होता क्या है? मम्मी ई स्पोर्ट्स यानी गेमिंग के बहुत बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं और इसमें टीम्स पार्टिसिपेट करती है और लाखों करोड़ों के प्राइजेस जीतती है। बेटा तुम जो कह रहे हो ना, वो लाखों करोड़ की बात नहीं। अभी समझा कि तू अभी गए वीक में वो तू 2000 रुपये जीता था, उसी की बात कर रहा है ना तू? वो स्पोर्ट्स है तो 2-5 हजार से कुछ करियर नहीं बनता मम्मी। करियर बनता है इंजीनियरिंग करने, ये 2-5 हजार में कुछ नहीं होने वाला है। पर मम्मी मान लो कि मैं सिर्फ 2 घंटे खेल के अगर 10 हजार रुपए जीत सकता हूँ, तो मैं सिर्फ एक महीने के अंदर 1 लाख रुपए जीत सकता हूँ। ये तुझे पॉसिबल लग रहा है? हाँ मम्मी ये पॉसिबल है, और सिर्फ यहाँ के नहीं, फॉरेन बड़ी बड़ी बातें ही है ये। नहीं फॉरेन में लोग कर रहे हैं ये, मेरी समझ के बाहर है ये सब। आगे तू देख, कल को तेरी शादी करोगी तो 2-5 हजार तू कमाएगा तो क्या होगा उससे? तो मम्मी अगर मैं कहूँ आपको कि मैं 1 लाख रुपया आपको गेमिंग से सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट से ला कर दूँ, तो क्या आप मानोगे? हाँ तो मैं मान सकती हूँ। अगर नहीं कमा पाया तो मैं ई स्पोर्ट का सपना छोड़ दूंगा और सिर्फ इंजीनियरिंग पे फोकस। ठीक है, करके देख ले तू। The group decides to take on the challenge. They start practicing harder than ever before, studying the strategies of professional players and entering online tournaments. भाई श्रेयस भाई क्या क्लच था, 1v3 भाई, तेरी वजह से टूर्नामेंट जीत गया अपन। आप पर इतना भी खुश मत हो भाई, अभी पहला ही टूर्नामेंट था, अभी और आगे जाना है, बहुत हार्ड अपोनेंट भाई, थोड़ा तो सेलिब्रेट कर यार श्रेयस। हाँ पर ठीक है भाई, अभी चेक आ चुका है अपना, अपन अपने पेरेंट्स को कुछ तो दिखा सकते हैं। अरे जय को फोन करके बताओ तो अपना चेक आ गया है, उसको भी तो पता पड़ेगा। फोन करता, वो भी अपने डैड को बता देगा फिर। चल भाई श्रेयस तू बोल ही रहा है तो अपन अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस का भी प्लान डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। Encouraged by their success, the group continues to compete and improve. They start streaming their gameplay online and gain a following of fans. यश क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ भाई? रुक बताता हूँ। अरे क्या हुआ? रुक बताता हूँ। पर हुआ क्या है? बताता हूँ भाई। क्या हो गया इतने सुबह सुबह? भाई RGD से कॉन्ट्रैक्ट आया। क्या कर रहा है? हम लोग को स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए साइन करना। सच में? हाँ क्या? ये अन्वय, उठ अन्वय, कॉन्ट्रैक्ट आया भाई।
भाई। अरे सुन तो, सुन तो भाई, आरजेडी से कॉन्ट्रैक्ट आया है। अपन सपोर्टर में कॉन्ट्रैक्ट आया आरजेडी से। सोने दे भाई, झूठ मत बोल भाई। भाई अपन पांचों को साइन कर रहे हैं। सही में? हाँ भाई, अब तो लाइफ सेट है भाई। वही भाई, अभी तो क्या मस्त गाड़ी वाड़ी लेके घूमेंगे भाई। ऐसा ही पैसा आ गए बेटा, बैठो। हाय मम्मी। बोलो। तू शायद भूल गया होगा लेकिन मुझे बराबर याद है, आज तेरा एक महीना पूरा होगा। मम्मी, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एक साल के लिए तुझे साइन कर दिया? 1,00,000 रुपए हर महीने? हर महीने। क्या बात कर रहे हैं? और मेरा काम होगा सिर्फ कंपनी को रिप्रेजेंट करना एज देयर ओन प्रोफेशनल। तो आज मुझे गलत साबित कर दिया बेटा। हाँ मम्मी। वाह, मुझे तो लगा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। टुडे द ग्रुप इज लिविंग देयर ड्रीम। दे आर प्रोफेशनल गेमर्स कंपीटिंग इन टूर्नामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड and inspiring others to follow in their footsteps.